खाना ऑल इन वन चैनल। आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है फूड रिव्यू। आई होप ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। फूड रिव्यू में हम करने जा रहे हैं पिज़्ज़ा नान का रिव्यू। चलें फूड रिव्यू की तरफ चलते हैं, पिज़्ज़ा नान का रिव्यू देखते हैं। हाँ जी, आगे हमारा पिज़्ज़ा नान, ये इसके फ्लेवर्स हैं। ये पिज़्ज़ा नान है, ये हमने ऑर्डर जो किया था फ्लेवर चिकन टिक्का पिज़्ज़ा नान किया। ये इसकी डिप है, गार्लिक डिप। रिव्यू कर रहे हैं वो मेरे भाई कर रहे हैं। जरा जल्दी से बताओ भाई कैसा है खाने में। जी जी, आज हम जो रिव्यू दे रहे हैं वो पिज़्ज़ा नान है, तो उसको मैं खा के बताता हूँ कि कैसा है। ये वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं जो कि पिज़्ज़ा में होते हैं, लेकिन चूंकि इसको नान में बेक किया गया है तो जाहिर सी बात है टेस्ट तो डिफरेंस आएगा। हाँ, अफगानी नान जैसे तंदूर की तरह होता है वैसे ही बना है ये, पिज़्ज़े की तरह नहीं हुआ। वैसे ही डाले उन्होंने, जिस तरह चिकन के साथ उन्होंने मशरूम है और ये सारी चीज़ें हैं। मुझे वैसे उसमें वो नज़र नहीं आ रही है इसकी ओरिगानो। चलो टेस्ट करके पता चल जाएगा अगर डालिए कि नहीं डालिए। लग तो अच्छा रहा है, अब खा के मार बताते हैं कैसा इसका फ्लेवर है। खाने तो दो। देखो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते पिज़्ज़ा के साथ। अच्छा, क्योंकि वो चीज़ तो इसमें नहीं आ रही है, क्रस्ट में, क्रस्ट की एब्सेंस की वजह से। इनके जो क्रस्ट होती है ना, उसका कम्बिनेशन होता है दूसरी चीज़ों के साथ, तो एक जायका बनता है वो। तो जो जायका हमने पिज़्ज़ा का चखा हुआ है डेफिनेटली उससे मीट तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये कि अगर आप मतलब इसको उसको कंपेयर करते हुए ना खाएं, मतलब जनरली इसको एज आ पिज़्ज़ा रोटी के तौर पे खाएं तो अच्छी चीज़ है, डिफरेंट है, वो बात तो नहीं आ रही है इसमें, लेकिन ये है कि जो डिफरेंट मतलब खाने के जो ट्राई करना चाहें वो टेस्ट कर सकते हैं। इसको पर इसको जहन में अगर आप ये लेकर आएंगे ना कि इसको कंपेयर करते हैं पिज़्ज़ा के साथ, डेफिनेटली ये उसको उससे मीट नहीं कर रहा है, वो एक अलग क्लास है, ये एक दूसरी चीज़ है। तो नो डाउट इन इंग्रेडिएंट्स के साथ जायका अच्छा आ रहा है इसका, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो कि हम पिज़्ज़ा उमन जो खाते हैं, जो चीज़ हमें उसमें महसूस होती है वो इसमें महसूस नहीं हो रही। मगर लोग ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, पर पिज़्ज़ा का ख्याल मत रखिएगा। अच्छी तरीके से बनाया गया है, इसमें हर चीज़ डाली है इन्होंने, जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि अच्छे ओलिव्स डाले हैं इन्होंने, चिकन डाली है इन्होंने, सारी फॉर्मेलिटीज डाली है। हाँ, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही है इसमें जो कि पिज़्ज़ा में आती है, पर वो भी नई चीज़ डाली। ऐसा नहीं है कि इसको मतलब पसंद नहीं किया जाएगा, ये अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, मैं इसको सॉस में डिप करके भी खा के चेक करता हूँ कैसी है। गार्लिक सॉस है क्या है ये? ये मायोनीज़ है? नहीं, ये गार्लिक सॉस नहीं है, ये मायोनीज़ है। और मायोनीज़ में इन्होंने मेरे ख्याल से ब्लैक पेपर। अच्छा, मैं तो गार्लिक सॉस कह रही थी डिप है। नहीं, ये जैके में मुझे सॉरी जी, मैंने गार्लिक डिप कह दिया था, पर भाई बोल रहे हैं यहाँ पे ये मायो यूज़ किया गया है, भाई सॉरी जी। बाकी ये है कि अच्छी चीज़ है। क्रस्ट दिखाती हूँ मैं इसका, बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल जैसे आपका नान, हम लोग अफगानी नान नहीं खाते, बिल्कुल वैसा है। पर जो फूड लवर हैं, जो डिफरेंट आप ट्राई करना चाहते हैं फूड, वो ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन उसको आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी अपनी क्लास है, ये दूसरी क्लास, इसका अपना टेस्ट है, उसका अपना टेस्ट है। मगर नया फूड ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, ट्राई करें। मैंने सोचा कुछ डिफरेंट वीडियो करनी चाहिए, आज मैंने फूड रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। अच्छा, और ये फ्लेवर कौन सा है? ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा मैंने मंगवाया था। अच्छा, जायके में अच्छा। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बोले, चिकन टिक्का नान भी मंगवाया था मैंने। अच्छा, मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है ये। आप खाते रहते हो ना, इतना एक्सपीरियंस है, मैंने चलो आपसे रिव्यू करवाना चाहिए। हाँ, नहीं खाते तो रहते हैं, लेकिन हम पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो उस लिहाज से जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे। मतलब उस लेवल पे तो नहीं पहुँच पाया ये क्रस्ट की वजह से जो नान इसमें आ गया, लेकिन बुरा नहीं लग रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बुरा लग रहा है। आप भी चखना,
आप भी देखना कैसा है कैसा नहीं है। तो ये था मेरा रिव्यू, पिज्जा नान रिव्यू। हाँ, पिज्जा नान रिव्यू। और तो, मेरी तरफ से तो ओके है, लेकिन आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। फिर कहूंगा मैं कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी अपनी चीज है, ये अपनी चीज है। लेकिन यह है कि अच्छा अच्छा तो चलो, अगर मेरा रिव्यू पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें। मेरी रिव्यू की वजह से अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करें और बेल पे, बेल आइकॉन पे क्लिक करें कर दीजिएगा, और वेट करिए हमारे किसी नए फूड रिव्यू का, रिव्यू के लिए। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा ये कैसा लगा। चले, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।